वेलकम बैक केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बताता है कि नियान के परमाणु आयनिक बंध क्यों नहीं बनाते? ऑप्शन ए, नियान के परमाणुओं में डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बी, नियान के परमाणु को अपने बाहरी सेल में एक पूर्ण अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना चाहिए। सी, नियान के परमाणु के बाहरी सेल में पहले से ही एक पूर्ण अष्टक होता है। और डी, नियान के परमाणु सहसंयोजक संरचना बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। नियान ग्रुप नंबर 18 में पाया जाने वाला एक तत्व है। नियान के परमाणु संख्या 10 होता है। इसका मतलब यह है कि नियान के एक परमाणु के नाभिक में 10 प्रोटॉन होंगे। और चूंकि परमाणु उदासीन होते हैं, इसलिए हमें 10 इलेक्ट्रॉनों की भी आवश्यकता होगी। तो नियान के हमारे परमाणु में एक 10+ चार्ज वाला एक नाभिक होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन सेल में 10 इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। आयनिक बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव रूप से चार्ज किए गए आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण है। परमाणु पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। हमें 4 ऑप्शंस को देखने की जरूरत है और एक आंसर ढूंढने की जरूरत है, जो इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि नियॉन के परमाणु आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाते। पहली बात जो यह याद रखने में मददगार होगी वह यह है कि नियॉन परमाणु एक नोबेल गैस है। ऑप्शन ए से पता चलता है कि नियॉन के परमाणुओं में डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्डिंग पर विचार करते समय हम आमतौर पर मेटेलिक बॉन्ड के बारे में सोचते हैं, जब हम डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों पर विचार करते हैं। लेकिन नियॉन एक एकल परमाणु गैस होने के कारण इसमें डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए यह क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन बी कहता है कि नियॉन के परमाणु को अपने बाहरी सेल में एक पूर्ण अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या होना चाहिए। बाहरी सेल को संयोजकता सेल के रूप में भी जाना जाता है। इस ऑप्शन में अष्टक शब्द को ऑक्टेट रूल की ओर संकेत करना चाहिए, जो हमें बताता है कि परमाणु अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए रिएक्शन करते हैं। इसे जारी रखने के लिए हमें अपने नियॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को उसके सेल में रखना होगा। पहला इलेक्ट्रॉन सेल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकता है, जिससे हमारे पास 8 बच जाते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन उन सभी 8 इलेक्ट्रॉनों को भर सकता है और नहीं, इसलिए हमने सभी 10 इलेक्ट्रॉनों के स्थानों का हिसाब लगाया है। 8 इलेक्ट्रॉन एक अष्टक है और एक नियॉन परमाणु के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन सेल बाहरी सेल है। अतः अष्टक प्राप्त करने के लिए हमें इस सेल में इलेक्ट्रॉनों को खोने या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि नियॉन के परमाणुओं के बाहरी सेल में पहले से ही एक पूर्ण अष्टक होता है, और यह सही भी है। नियॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक विशेष रूप से पूर्ण होता है, इसलिए हम नियॉन परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनों को खोने या प्राप्त करने या आयनिक बंध बनाने के लिए रिएक्शन करते हुए नहीं देखते। आइए लास्ट ऑप्शन पर नजर डालते हैं। नियॉन के परमाणु सहसंयोजक संरचनाएं नहीं बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनों को साझा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक पूर्ण बाहरी सेल होता है। तो यह ऑप्शन सी जो बताता है कि नियॉन के परमाणु आयनिक बंध क्यों नहीं बनाते, यह है कि नियॉन के परमाणुओं के बाहरी सेल में पहले से ही एक पूर्ण अष्टक होता है। की पॉइंट, ऑक्टेट रूल जो हमें बताता है कि परमाणु अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए रिएक्शन करते, और इस घटना के बाद हमें आयनिक बॉन्ड्स प्राप्त होते हैं, जिसमें परमाणु पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं।